वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूं, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। कवि यहां चिड़िया के द्वारा उसके मधुर गाने की प्रस्तुति कर रहे हैं। वह चिड़िया जो जिसका चित्रण अभी ऊपर हमने किया, वह चिड़िया कैसी है, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। चिड़िया गाते समय उसकी दो विशेषताएं हैं, एक चिड़िया कंठ खोल करके गाती है और दूसरा बूढ़े वन बाबा की खातिर जंगल में बड़ी मस्ती के साथ में उड़ उड़ते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए, एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाते हुए रस उड़ेल कर पूरे रस के साथ में बड़ी मस्ती के साथ में गाती है। और वह छोटी मुंह बोली चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली में हूं, मेरे पंख नीले हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन माने एकांत। चिड़िया यदि जंगल में एकांत में भी है तो उसे एकांत में भी आनंद है। यहां मानव जीवन का भी चित्रण है, मनुष्य भी अपने जीवन में जब गाए तो हर एक व्यक्ति के अंदर वाणी में रस है, बड़ी मस्ती के साथ हम भी गाएं और गाते हुए भी एक चीज ध्यान रखें, हम भी एकांत से प्रेम करना सीखें। कभी घर में, जंगल में, उद्यान में, उपवन में, वाटिका में कहीं हमें एकांत स्थान मिले तो हम भी मस्ती के साथ में भगवान की भक्ति के गीत गाएं, देशभक्ति के गीत गाएं। चिड़िया के द्वारा मानव जीवन के लिए भी कवि ने यहाँ शिक्षा प्रदान की है।